यदि प्रथम पद एक और सार अंतर डी डी दिया हो तो चार पदों तक समांतर श्रेणी निकालिए, ये सभी प्रश्न आता है। ए बराबर जैसे कि माना अपने 0.6 दिया गया है और डी बराबर सार अंतर 1.1 दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद दिया गया है, सार अंतर दिया गया है, तो दूसरा पद अपन निकाल सकते हैं पहले पद में सार अंतर जोड़ के, यानी A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D, यानी 0.6 प्लस 1.1 यानी कि 1.7। फिर अपने को A3 निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में वापस क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, तो दूसरे पद आया 1.7, इसमें वापस 1.1 जोड़ दिया, 1.7 प्लस 1.1 2.8 आ गया। फिर अपने को चौथा पद निकालना है, तो तीसरा पद जो आया उसमें वापस सार अंतर जोड़ दो, A3 बराबर प्लस D और 2.8 प्लस 1.1 तो 3.9 हो जाएगा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी 0.6 1.7 2.8 3.9 चार पदों तक निकालना था, वहां तक निकाले, आपको जितना कहे उतने पद तक अपन इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसका दूसरा सवाल कंप्लीट। समांतर श्रेणी अगर अपने को दी गई है और उसमें कह दिया कि इसका 200 पद 200 वा पद निकालो, 300 वा निकालो, 1050 वा निकालो, तो अपन वहां पे क्या जोड़ते बैठेंगे, क्या है उसके लिए अपने पास एक पैरेट सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग करके अपन उसके जो दिया गया पद है वो पद अपन निकाल सकते हैं। जिसे दिया गया है समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, AA यानी nवा पद बराबर A प्लस n माइनस 1 D, यानी कि A प्रथम पद प्लस n यानी जो nवा पद दिया गया वो में से एक कटा दो, D यानी कि इसका सार अंतर। तो समांतर श्रेणी रूट दो, तीन रूट दो, पांच रूट दो, डेटेज का 18वां पद निकालना है, तो 18वां पद निकालना है, इसके लिए प्रथम पद क्या है, ए की जगह पर कितना रखेंगे रूट दो, बी की जगह कितना रखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी ए2 माइनस ए1 यानी 3 रूट दो में से 1 रूट दो घटा दो, तो 3 रूट दो में से 1 रूट दो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 रूट दो, ठीक है। अब यहाँ पर 18वां पद यानी n बराबर 18 दिया गया, अब अपने पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इसमें सभी के मान रख देंगे, a n की जगह आ जाएगा 18 बराबर रूट दो प्लस 18 माइनस 1 गुणा 2 रूट दो, रूट दो नीचे आ जाएगा 18 में से 1 जाएगा 17 और 2 रूट दो, 17 और इस 2 का गुणा हो जाएगा 17 दूना 34, ठीक है, और रूट दो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए 18 बराबर रूट दो प्लस 34 रूट दो। अब यह इसका रूट दो क्या है, कुछ नहीं, एक है, तो एक रूट दो और एक 34 रूट दो मिलकर कितना बन जाएगा 35 रूट दो, तो इसका 18वां पद अपने इस सूत्र से अपन ने फटाफट निकाल लिया। अब समांतर श्रेणी दी गई है और उसका अगर यहाँ पर लिखा गया है 84, 80, 74 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद उसमें शून्य आएगा, तो अपन मान लेते हैं कि इसमें nवां पद शून्य है, यानी n बराबर शून्य, यानी अंतिम पद को अपन शून्य मान लेते हैं, तो a बराबर 84, d बराबर क्या होगा 80 माइनस 84, 80 में से 84 जाएगा माइनस का 4, सार अंतर माइनस में भी आ सकता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a अपने पास nवां पद अपन ने शून्य मान दिया है, तो a n की जगह अपन ने शून्य लिख दिया, a की जगह 84 n माइनस 1 और गुणा में माइनस का 4। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस 84 को इधर भेज देंगे, तो इसको इधर भेजेंगे प्लस का, इधर आएगा जो आ माइनस का, बाकी ये पद ऐसे कैसे ही है, ये 84 दूसरे पक्ष में भेजा इसलिए माइनस का हो गया। अब क्या होगा, इस माइनस का अंदर तो अंदर गुणा करो, या फिर इस पूरे के गुणा में है तो इस पूरे के बटे में चला जाएगा यहाँ पर, ताकि हल भी हो रहा है, तो n माइनस 1 अकेला बन जाएगा, माइनस 4 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 84 से 4, 4 से 84 कट जाएगा 21वां, तो n माइनस 1 बराबर 21 बचा, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का है, तो n बराबर आ जाएगा अपने पास 22, यानी कि समांतर श्रेणी का इस समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा। आप चाहो तो 22वां पद निकाल लेना, यहाँ पे 22 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 84 22 माइनस 1 21 और डी का मान कितना है यहाँ पर अपने पास माइनस का 4, अगर इसको हल करो तो 84 आ गया प्लस माइनस माइनस 84 तो ये शून्य आ गया, यानी कि इसका 22वां पद क्या आ गया अपने पास शून्य, ये अपन ने उसकी जांच भी कर ली थी, ठीक है।